हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? फाइन। ये हमारा लास्ट वीडियो है, हमने अपना रिवीजन भी कंप्लीट कर दिया। ओके, अब कुछ बाकी है, वो पीडीएफ में ही मैं भेज दूंगी क्योंकि वो हमने वर्कबुक में किया है ना। तो चलिए आज देखते हैं कि नीचे आपेला शब्द साथ है छोटी ई, बड़ी ई, आ की मात्रा, उ की मात्रा हमें लगानी है और नए वर्ड बनाने हैं। जैसे फनस, फ के साथ हमने आ की मात्रा लगा दी तो फानस बन गया। फिर फ र क, तो उसके साथ आ की मात्रा लगा दी तो, सॉरी फ के साथ नहीं, रा के साथ। ओके, तो र के साथ लगा दी तो फराक मीन्स फ्रॉक बन गया। फिर ग के साथ लगा दी तो गाय बन गया। अब यहाँ स या ड है तो उसके साथ छोटी ई वाली मात्रा लगा दी तो शिया। और यहाँ भी सतार है तो उसके साथ हमने छोटी ई वाली मात्रा लगा दी तो सितार बन गया। फरखी मीन्स फिरकी, तो इसको हम ऐसे कर देंगे और फ के साथ बड़ी वाली मात्रा लगा देंगे तो फिरकी बन जाएगा। ऐसे मा छ ल, तो यहाँ हमने ऐसे ली लगा दी, ई की मात्रा लगा दी बड़ी की, तो माछली। ये झाड़ है, झाड़ का मीनिंग होता है, पर उसके साथ हम और मात्रा लगा देंगे तो झाड़ू मीन्स जो घर में कचरा निकालते हैं वो झाड़ू। फिर कहाड़ी, तो कहाड़ी के साथ छोटी ऊ की मात्रा लगा देंगे तो कुहाड़ी। ओके, फिर गला, तो उसके साथ भी ग के साथ जब हम ऐसी छोटी ऊ की मात्रा लगा देंगे तो गुलाब, फूल का नाम हो गया। ऐसे दकान, तो दकान का कोई मीनिंग नहीं होता है, पर द के साथ में जब छोटी ऊ की मात्रा लगा दूंगी और ऐसे पढ़ूंगी दुकान। ओके, तो शॉप हो गया ना। फिर नकल, तो नकल मीन्स किसी को कॉपी करना, पर मैं क के साथ उ की मात्रा लगा दूंगी तो नकुल एक नया वर्ड भी बन जाएगा, किसी का नाम होता है वॉइस में ये नकुल नाम होता है। फिर तलसी, तो तलसी का कोई मीनिंग नहीं होता है, पर त के साथ जब मैं उ की मात्रा लगा दूंगी तो तुलसी मीन्स हम जिसकी पूजा करते हैं सबके घर में होता है ना, छोड़े ये प्लांट बोलते जैसे। पची सखड़ी, तो सखड़ी का भी वैसे कोई मीनिंग नहीं होता, पर जब मैं सबके साथ उ की मात्रा लगा दूंगी तो सुखड़ी ऐसा हो जाएगा। ऐसे सावरण, सावरण अण, पर अण के साथ में ई की मात्रा लगा दूंगी तो सावरणी। चकल, तो चकल का कोई मीनिंग नहीं होता है, पर यहाँ मैं ई की मात्रा लगा दूंगी तो चकली। का के साथ आ क डी, डके डको भी ऐसे ई की मात्रा लगा दी। ऐसे जब हम नए वर्ड्स बनाने सीखे थे उसमें से कोई भी वर्ड्स आपको पूछा जाएगा, आपको बनाना आना चाहिए। तो हम जब जब नया नया वर्ड सीखे थे तो वर्कबुक में बनाया था ना, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं। आपको क्वेश्चन ऐसा होगा कि ये चारों में मात्रा लगानी है, एक दो चार वर्ड दिए होंगे उसके साथ योग्य मात्रा आपको लगानी होगी, है ना। तो अब वीडियो आपको नहीं आएगा, आपको सिर्फ दो के तीन पीडीएफ ही आएगी। हमारा पूरा पोर्शन हमने खत्म कर दिया है ना बच्चों। हाँ, तो जो करवाया है वो वापस लर्न कीजिएगा एक बार और समझने की कोशिश करिएगा कि इसमें क्या किया जाएगा, तो कौन सा वर्ड बनेगा। जरूरी नहीं कि यहाँ मैंने, देखिए यहाँ मैंने ये मात्रा नहीं दी, माँ मैंने ऐसा दिया म छली, तो हिंदी में मछली बोलते, पर गुजराती में तो माछली बोलिए छे, तो ये ई की मात्रा दी है तो यहाँ आ की मात्रा लगानी पड़ेगी। कई कई वर्ड में ऐसा भी होगा, है ना। तो इस तरह से आपको कहाँ क्या अरेंज करना है वो आपको सीखना होगा। तो चलो आज के लिए इतना काफी है ना, तो सबको एग्जाम के लिए मैंने बेस्ट ऑफ लक बोल रही हूँ सबको, है ना। जब टाइम टेबल आएगा, आपको शेड्यूल दिया जाएगा, तब की बात तब है, पर हमने पोर्शन हमारा खत्म कर दिया। अब आपको लर्न करना है और मैं एग्जाम के लिए नहीं, लर्न करने के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक बोल रही हूँ, है ना। चलो तो बाय बच्चों।